भारतीय रेल के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है, जब देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ गतिमान एक्सप्रेस ने दिल्ली से आगरा की दूरी को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाई स्पीड ट्रेन चलाने का सपना आज पूरा हो गया। देश की पहली सेमी हाई स्पीड गतिमान एक्सप्रेस आज से ट्रैक पर उतरी, जिसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हजरत निजामुद्दीन से हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा की दूरी 100 मिनट में तय की। हालांकि ट्रेन का आगरा पहुंचने का निर्धारित समय 90 मिनट तय किया गया था। ये ट्रेन कई सुविधाओं से सुसज्जित है, ये जानते हैं कि इस ट्रेन में आखिर क्या क्या खूबियां हैं। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी गतिमान एक्सप्रेस। इस ट्रेन में 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर और 8 एसी चेयर कार कोच होंगे। मेहमान नवाजी के लिए होस्टेस की भी सुविधा होगी। फ्री वाईफाई और मनोरंजन सुविधाएं यात्रियों को दिए जाएंगे। विभिन्न इंडियन और कॉन्टिनेंटल फूड की भी सुविधा रखी गई है। गतिमान में जैविक शौचालय की सुविधा होगी। साथ ही इस ट्रेन में स्टेनलेस स्टील के वॉश बेसिन इस्तेमाल किए गए हैं। 5,500 हॉर्स पावर का वेब 5 इंजन इस ट्रेन को खींचेगा। कैटरिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गतिमान एक्सप्रेस का किराया शताब्दी एक्सप्रेस से 25% ज्यादा रखा गया है। एसी चेयर कार का किराया 690 रुपए, तो वहीं एग्जीक्यूटिव एसी कोच के लिए यात्रियों को 1,365 रुपए देने होंगे। साथ ही IRCTC ने पर्यटन के लिहाज से ट्रेन के साथ बस सेवा, दर्शनीय स्थलों और भोजन की सुविधाओं के साथ पैकेज भी तय किए हैं। ताज के दीदार की चाहत रखने वाले सैलानियों के लिए गतिमान एक्सप्रेस किसी तोहफे से कम नहीं है। अब आसानी से लोग दिल्ली से आगरा का सैर सपाटा एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए TV Live।